मैं हूं मानसी, आप सभी देख रहे हैं सी लॉट न्यूज। आइए जानते हैं आज की मुख्य खबरें। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि फिजिकल रैली की इजाजत चुनाव आयोग नहीं देता है, तो इसी तरह वर्चुअल रैली पर जोर दिया जाएगा। एक रैली के माध्यम से 5 से 6 जिलों को साधने का प्रयास रहेगा। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अलग अलग वेरिएंट ने तबाही मचाई हुई है। ज्यादातर देशों में फिलहाल डेल्टा वेरिएंट कम हो रहा है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ रहा है। इस बीच एक नए तरह का कोरोना वायरस सामने आने की खबर लोगों में चिंता बनाई हुई है। दरअसल काफी समय से इंटरनेट पर ऐसी रिपोर्ट प्रसारित हो रही है जिसमें कहा गया है कि एक नए वायरस नियोकोव को दक्षिण अफ्रीका में चमगादड़ों में फैला पाया है। कहा गया है कि यह वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित होने वाले हर 3 में से 1 की मौत हो सकती है। हालांकि ये रिपोर्ट कितनी सही है इसका अभी तक पुख्ता दावा नहीं किया जा सकता। अगली खबर SBI बैंक से। दिल्ली महिला आयोग ने 3 महीने से अधिक गर्भवती महिलाओं को सेवा में शामिल होने से रोकने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया है। भारतीय स्टेट बैंक ने इन महिलाओं को टेम्पररी अनफिट कहा है। आयोग ने SBI से इन दिशा निर्देशों के गठन के पीछे की प्रक्रिया और उन्हें मंजूर देने वाले अधिकारियों के नाम बताने को भी कहा है। चुनाव के गर्मा गर्मी का माहौल पंजाब में भी देखा गया। दरअसल आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद सक्रिय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौर पर है। इस दौरान केजरीवाल पंजाब के फिलोहर में शुक्रवार को एक कार्यक्रम में भगवंत मान के साथ मौजूद रहे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने जालंधर की आदमपुर विधानसभा क्षेत्र में कहा कि आम आदमी पार्टी एक एक कैंडिडेट की टिकट देते हुए देखा कि उसने कोई गलत काम तो नहीं किया। उन्होंने कहा, इस बार वाहेगुरु की कृपया से आप आई है। हमारे CM कैंडिडेट के पास 7 साल MP रहने के बावजूद अपना एक मकान भी नहीं है। GST का पैसा भी ये सरकार खाती रही है। आइए जान लेते हैं क्या है कोविड अपडेट्स। तीसरी लहर में अब तक सबसे ज्यादा मौतें, 24 घंटों में 2.35 लाख नए केस।